नमस्कार मित्रों, आप सभी को कौटिल गुरु का सादर नमन। आज हम 21 मई 2019 में हैं। इस दिन, आज के दिन का सबसे बड़ा सवाल है, कपास की फसल कम है और रुई का स्टॉक अगर इतना ही कम है तो मार्केट क्यों नहीं बढ़ रहा है। बहुत सारे सवाल हमें लोग पूछते हैं, रुई बाजार कब बढ़ेगा, कपास का मार्केट कब बढ़ेगा। फार्मर्स, चीनर्स, एजेंट्स, मिल वाले काफ़ी सवाल पूछते हैं, पर ऐसा स्पेसिफिक सवाल बहुत सालों से किसी ने नहीं पूछा है कि हर एक सेगमेंट एक ही बात करता है कि अगर सब कुछ इतना कम है रॉ मटेरियल की साइड पे तो मार्केट इतना क्यों नहीं बढ़ा है। तो आज हम इसी बात का विश्लेषण करने वाले हैं, जो कॉटन गुरु की टीम ने स्टडी किया है। कंपैरेटिव एनालिसिस हमने किया है, एक तुलनात्मक प्रशिक्षण और विश्लेषण जो हमने किया है उसका सार मैं आपको सिर्फ शॉर्ट में शेयर करता हूँ। और बहुत ही रोचक और दिलचस्प है ये। 2016 में जाएं, मई महीने में जाएं, जो आज का महीना चल रहा है, तो जुलाई वायदा अमेरिकन आइस एक्सचेंज में 61 सेंट्स था। वही 2018 में हम आते हैं, इसी पीरियड में अमेरिकन सेंट्स था 93 जुलाई वायदा, और 2019 में है 69 सेंट्स। 61 सेंट्स, 93 सेंट्स, 69 सेंट्स, ध्यान रखिएगा। तो वही हम अगर भारत में कपास के भाव में आते हैं, जुलाई 2016 में कपास के भाव थे 4,000 से 4,200 रुपये प्रति क्विंटल। 2018 मई में कपास के भाव थे 5,300 से 5,500 रुपये प्रति क्विंटल। और 2019 में मई महीने में भारत में कपास के भाव में 6,300 से लेकर 6,500 रुपया प्रति क्विंटल, ध्यान रखिएगा। आगे हम रुई की बात करें, मई 2019 में भारत में गुजरात शंकर सिल्क के भाव थे 33,000 से 36,000 रुपया प्रति कैंडी। मई 2018 में शंकर सिल्क के भाव थे 44,000 रुपये प्रति कैंडी। और 2019 में गुजरात शंकर सिल्क के भाव में 46,000 से 47,000 रुपया प्रति कैंडी। हमने क्रॉप की बात करें तो 2018 में 365,000 का क्रॉप था। 2019 में जो तीन एजेंसियां हम फॉलो कर रहे हैं रेगुलरली, उनके क्रॉप के आइडिया सुनिए। जस्ट एग्री एक प्राइवेट एजेंसी जिनके हिसाब से 300 से 305 लाख गांठ होगी। CAI कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के हिसाब से 315 लाख गांठ होगी, जिसमें रिवीजन अभी भी हो सकता है। CCI के हिसाब से 340 लाख गांठ होगी। आवक की बात करें तो मई एंड तक 275 लाख गांठ जस्ट एग्री के हिसाब से आई है, 288 लाख गांठ 288 लाख बेल्स CAI के हिसाब से आई है, और 300 लाख बेल्स CCI के हिसाब से लाइए। मंदिर अभी बहुत दूर है, कपास की आवक नहीं है और क्रॉप भी कम है, ये बात तो ध्यान में सबको है ही, पर मार्केट नहीं बढ़ा है ये भ्रम में जो लोग हैं वो निकल जाना चाहिए। लास्ट एक महीने में आइस फ्यूचर्स में 14 सेंट की तेजी मंदी हुई है। 79 सेंट्स का मार्केट घट के 65 सेंट्स पहुँच गया था, वो अब रिकवर होके 69 सेंट्स है आज जुलाई वायदा। लेकिन सामने भारतीय रुई के भाव 46-47,000 का मार्केट कम होके 43,000 होके आज फिर उसी 46-47,000 के एक महीने के अंदर आ गया है। तो ये क्या दर्शाता है दोस्तों, कि इंडियन मार्केट अंदर से बहुत स्ट्रांग है और अमेरिकन आइस में अभी 10 सेंट की रिकवरी बाकी है, 15 में से सिर्फ 4 सेंट की रिकवरी हुई है, जबकि इंडिया ने पूरे पूरा लॉस एक 15 दिन के अंदर रिकवर कर लिया है। तो ये मार्केट नहीं बढ़ा है या इस मार्केट में अभी तक तेजी नहीं है, इस भ्रम से तो बाहर निकलना होगा। आगे कितनी तेजी आएगी, ये आगे की बारिश और बुआई, ये दो चीज बताएगी। डिमांड कितनी रहती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के फिगर्स भी चेंज हो सकते हैं, एक्सपोर्ट के फिगर्स शायद हमें डाउनवर्ड रिवाइज करने पड़े और इम्पोर्ट के फिगर्स हो सकता है कि 10 से 20% से बढ़ाने पड़े। अभी मंजिल दूर है, लेकिन फिलहाल भारत में जो तेजी आई है बहुत ही फंडामेंटल है और तेजी तो पक्की आई है, ये बात हम विश्वास से कह सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल जो हमें सता रहा है कॉटन गुरु को, वो ये है कि जून और अक्टूबर के बीच में भारत की मिलें अपना रुई का नियोजन किस तरह करने वाली है। हाउ आर द इंडियन मिल गोइंग टू मैनेज देयर कॉटन परचेसेस एंड इन्वेंट्री बिटवीन जून 2019 एंड अक्टूबर 2019। इस पर हमारी स्टडी चालू है, बहुत ही जल्द हम आपके सामने इसका भी विश्लेषण लेके आएंगे। तब तक आप सबको कॉटन गुरु की तरफ से शुभ मंगल कामना।